पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में छात्रों के चेहरे खिले हुए थे। राज्यपाल आनंदीबेन के हाथों पदक पाकर होनहार गौरवान्वित थे। समारोह की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन ने दीक्षांत भाषण में छात्रों का मनोबल बढ़ा दिया। काफ़ी दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहे टॉपरों को जब राज्यपाल के हाथों मेडल मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जहां कुछ टॉपर सिविल सर्विसेज में जाने की तमन्ना लिए हुए हैं तो कुछ इंजीनियर तो कुछ प्रोफेसर बनना चाहते हैं। मेडल पाकर खुशी के साथ गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मेडल प्राप्त किए हुए टॉपरों ने कहा। अंगी मिश्रा, एक मेडल मिला है। कौन दिया, किसके बारे में मिला है? आनंदीबेन द्वारा मिला है, हमारे गवर्नर ने दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वविद्यालय का मेडल मिला है, होम साइंस डिपार्टमेंट में टॉप किया है उसके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम अपनी एक्साइटमेंट बता नहीं सकते। आगे PhD करनी और इंटीरियर डिजाइनिंग करनी। जिया वर्मा, एक मिली, मतलब अपना कॉलेज टॉप करने का बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। गोल्ड मेडल उन्होंने नहीं दिया है जी। अभी आगे इस लाइन में और बढ़ते जाना है जितना। गरिमा सिंह, एक मेडल मिला, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में टॉप किए हैं, राज्यपाल द्वारा मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे प्रोफेसर बनना है, PhD करना है। मेरा नाम ज्योति सिंह है, एक मेडल मिला है छात्र LLB में स्नातक स्तर पर बालिका वर्ग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए, बहुत खुशी महसूस हो रही है। आगे मैं जज बनना चाहती हूँ और लोगों को इसी रूप में सेवा करना चाहती हूँ। अंकिता मिश्रा, एक मेडल मिला स्टैटिस्टिक्स के लिए, MSc यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मिला है, राज्यपाल हम लोगों को दिया, राज्यपाल चेयरमैन, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आगे चल के वैसे मेरा एम है IAS ऑफिसर बनना। आकांक्षा, चार, आर्ट्स टॉपर के लिए मिला है। हाँ, यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, गवर्नर ऑफ UP आनंदीबेन पटेल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। IAS ऑफिसर बनना है। कहेंगे कि कोशिश करते रहें, सब लोग हमेशा नहीं जीतते हैं पर कभी ना कभी आप जीतेंगे ज़रूर। मेहनत करना पड़ता है सबको और कभी ना कभी आप जीतेंगे ज़रूर, क्योंकि हर बार आप नहीं जीत सकते और हर बार आप हार नहीं सकते, जीतेंगे ज़रूर। मुझे BCA में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से आज गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। मैं अपने माता पिता और समस्त गुरुजन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हर विद्यार्थी ऐसा परिश्रम करे और कोशिश करे ताकि सबको यह रैंक प्राप्त हो और सब यहाँ पे आएँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ये मेरे ज़िंदगी का सबसे सर्वोच्च रहा अब तक का और मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य है कि मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ और उसके बाद से अपने देश में जो साइबर क्राइम से रिलेटेड समस्याएं हैं मैं उनको ख़त्म करूं। दो मेडल मिला है, BSc होम साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि मम्मी पापा का सपना था ये कि गोल्ड मेडल पाने का, तो हमको ज़्यादा खुशी हो रहा है ज़्यादा। क्या बनना है? PCS की तैयारी करना है, PCS बनना है। पाँच, मेरा म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उनके कुलाधिपति
कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ जो भी है ये फीलिंग बहुत अच्छी है। आगे क्या लक्ष्य? मेरा लक्ष्य है मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे अपनी फील्ड से, मुझे म्यूजिक से ही लेक्चरर बनना है। प्रोफेसर पूरे 5 साल का मेरा सफल। पाँच साल से हर दिन हम लोग, मतलब ये दीक्षांत, कोई ऐसा दीक्षांत नहीं होगा, कोई ऐसा यूथ फेस्टिवल नहीं होगा जो हम लोग अटेंड ना करते हों, और कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं होगा जो यहाँ का, जो हम लोग ना, हम लोग के द्वारा बिना पूरा होता हो। लेकिन आज लास्ट डे ऐसा, ये गोल्ड मेडल ना हर चीज़, हर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस उस चीज़ की कमी पूरी हो गई, जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अनामिका उपाध्याय, 8 मेडल्स मिले हैं, 8 मेडल। MSc मैथमेटिक्स, बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम कितना खुश हैं। मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, पूरी फैमिली बहुत खुश है। सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। किसी को भी कभी भी हताश नहीं फील करना चाहिए, सबके अच्छे मार्क्स आते हैं, सब लोग ट्राई करते हैं, और अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए।